नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में शराबबंदी को फिर से टाइट किया जा रहा है। टाइट करने का मतलब के पाठक को लगाया गया है सचिव मद्य निषेध, और लगातार पटना में छापेमारी चल रही है। लगातार तीसरे दिन होटल में, जिम में या वैसे जगह जहां पर शराब का सेवन हो सकता है, छापेमारी चल रही है। और छापेमारी में जो निकल के आ रहा है, जितने लोग पकड़े जा रहे हैं और जहाँ जहाँ ये धंधा चल रहा है, उससे ये साफ पता चल रहा है कि बिहार में पिछले 5 सालों से शराबबंदी की क्या असलियत रही होगी। अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 40-50 लोग जो है वो प्राणों को गंवा चुके हैं जहरीली शराब पीने के बाद। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं और ये कहते हैं कि शराबबंदी में कोताही साफ बर्दाश्त नहीं की जा सकती और हम इसे वापस देने को लेकर या शराबबंदी को लेकर एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते। और लगातार दावे किए गए कि कुछ लोग जो हैं वो ये धंधा करते हैं, और विपक्ष पर भी आरोप लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, 3 दिनों से ये कार्रवाई चल रही है, एक भी नेता इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है, और खासकर विपक्ष का। तो ये तो आरोप जो लगाते हैं, लगाया जाता है सरकार के मंत्रियों के द्वारा कि विपक्ष के लोग ऐसे करते हैं, ये पूरी तरह से गलत साबित होती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे प्रबुद्ध लोग जो माने जाते हैं समाज में, नौकरी पेशा लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वो ही सबसे ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। और इससे साबित हो रहा है कि शराबबंदी का जो बिहार में एक माहौल बनाया गया था, उसको तोड़ने वाले कौन हैं। आपको हम बताएं, कल रविवार को जो है वो 36 थाना क्षेत्रों के 80 होटलों में छापेमारी की गई और 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको हम बता दें कि लॉ के स्टूडेंट हैं 4, जो कि एक दोस्त की बहन की शादी में आए थे, जिसमें एक जो है शिमला के हैं, एक भोपाल के हैं और एक यूपी के हैं। उन लोगों को गिरफ्तार किया गया राजीव नगर के होटल में शराब पीते हुए। इसके अलावा बताएं कि रेलवे में नौकरी करने वाले एक गार्ड हैं, वो भी शराब का धंधा करते थे, 2 बोतल पकड़ा गया। उनका कहना है कि 2000 में खरीदते थे और 3000 में बेच देते थे, फ़ायदा ये होता था। वही आपको बता दें कि जक्कनपुर थाने से सटे होटल मनी इंटरनेशनल में नशे में धुत वेटर रूपेश पटेल को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बता दें कि बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस ने उत्तरी और दक्षिणी मंदिरी से लेकर दुजरा पहलवान घाट के उन घरों में छापेमारी की जहां शराब मिलने के मामले में धंधेबाज गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा हम आपको बताएं कि होटल फॉर्च्यून के मालिक और मैनेजर पर केस दर्ज किया गया है। कंकड़बाग के आर्यन सिंह मोड़ के पास जो है ये होटल है, और यहाँ पर जो है 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर परसों पकड़े गए थे, वो शराब पी रहे थे। इसके अलावा बता दें कि एयरपोर्ट इलाके में मनेर के चंदन और शेखपुरा बगीचा में रहने वाले रोशन को 3 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। रूपसपुर में रहने वाले मोतिहारी के दीपक और आर ब्लॉक के राहुल को 1 बोतल शराब लेकर जाते गिरफ्तार किया गया। उधर रूपसपुर के भीम पासवान सुमन कुमार को नशे के हालत में पकड़ा गया। इसके अलावा हम बता दें कि गडनीबाग थाने के कच्ची तालाब स्थित बी स्ट्रॉन्ग नामक जिम से ट्रेनर दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया। वहां से दीपक के भाई राहुल और बहुत जो है शराब के वहां पर मिले, वहां पर जो शराब जो है उनकी बोतलें या फिर केन जो है, और खाली बोतलें और केन भी वहां बाहर में मिली। तो ये जो है ये कल का मामला है। अगर हम परसों की एक बार चर्चा कर लें कि परसों भी बहुत बड़ा एक कार्रवाई किया गया था पुलिस के द्वारा, पटना के विभिन्न इलाकों में और बहुत सारे होटलों में छापेमारी की गई थी, और उसमें पता चला था कि भाई रियलिटी है क्या। होश उड़ गए थे कि शराबबंदी की बात की जाती है पूरे स्टेट में, ड्राई स्टेट की बात की जाती है, और राजधानी पटना का ही ये हाल है कि यहाँ पर जिस होटल में हाथ डाला जा रहा है वहाँ पर कोई ना कोई शराब पिए हुए या शराब का बोतल जो है मिल रहा है। तो बिहार के 38 जिलों में क्या हाल होगा, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल होगा। आपको बता दें कि परसों की अगर हम बात करें तो पटना के 67 होटलों में छापा मारा गया था, जिनमें 2 डॉक्टर, 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर समेत 30 लोग शराब पीते हुए पाए गए थे। कंकड़बाग के जो होटल फॉर्च्यून का हमने बात किया, उसमें 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर पकड़े गए थे। वही पटना एम्स में इंटरव्यू देने
आई थी डॉक्टर, उनके कमरे से भी दो शराब की बोतल मिली। और वह महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित हैं। वह पटना एम्स में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। वही डॉक्टर शैलेंद्र शेखर भागलपुर के कहलगांव के रहने वाले थे। शैलेंद्र कंकड़बाग के जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल में पदस्थापित है। दोनों कमरे में पूछताछ पुलिस की और ये लोग पकड़े गए। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो है शराबबंदी की क्या स्थिति है। परसों आपको बताएं कि परसों तक जो रिपोर्ट है 36 घंटे में 108 स्थानों पर छापा मारा गया था और 110 की गिरफ्तारी हुई थी। 92 केस दर्ज हुए थे। तो कल आपको बताएं कि 55 लोग कल गिरफ्तार हुए हैं। तो राजधानी पटना में धज्जी उड़ रहा है शराबबंदी के नियम कानून का। और आप समझ सकते हैं कि सरकार लगातार जो दावा करती है कि शराब कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कुछ लोग जो हैं वो गड़बड़ी करते हैं, ऐसी बातें गलत हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि शराब के नशे में संलिप्त है। और ये तो होटलों का बात है, कितने लोग हैं घर में पीते हैं, पार्क में पीते हैं, यात्रा के दौरान पीते हैं, शादी समारोह में पीते हैं। और पटना में इतनी बड़ी गिरफ्तारी और इनमें होटलों को संरक्षण देना, होटल में जाके पीना, ये साबित करता है कि बिहार में शराबबंदी की बात करना बेमानी है। और सरकार जो अभी कार्रवाई कर रही है वो 40 से 50 लोगों की बलि देने के बाद ये कार्रवाई हो रहा है। अगर ये लोग जहरीली शराब से नहीं मरते तो ये कार्यक्रम जो है बदस्तूर जारी रहता है यहाँ के होटलों में, और सेवन करने वाले सेवन करते ही रहते और जो बेचने वाले हैं वो मालामाल होते ही रहते। क्योंकि शराब का रेट आप जान रहे हैं कि जो 200 का मिलने वाला शराब का जो बोतल है वो 2-2 हज़ार रुपये तक बिकता है। और एक बहुत बड़ा लॉबी लगा हुआ है जो कि इसके मुनाफे और इसके खपत को देखते हुए दिनों रात एक किए हुए रहता है। तो ज़रूरत है, बिहार में अगर ड्राई स्टेट बनाना है तो कड़ाई करना होगा। और कड़ाई करने के दौरान ये नहीं देखना होगा कि कौन इसे संरक्षण दे रहा है और कौन इसे सह दे रहा है। और जैसा कि आरोप लगता है, विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि सरकार के लोगों का संरक्षण मिलता है, सरकार के लोग इसमें शामिल हैं, वही प्रश्रय देते हैं। जीतन राम मांझी के द्वारा यह भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अपने आवास के 1.5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी मंत्री विधायक अफसर हैं उनका रात को 10 बजे के बाद ब्रेथ एनालाइजर से जांच करवाएं, उनके घर की तलाशी लें, जरूर शराब मिलेगा। और वही यही वजह है कि पूरे बिहार में शराबबंदी जो है वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाती है। तो पोल खोल रहा है और अब ये राजधानी में ही चल रहा है। बिहार के 38 जिला हेडक्वार्टर हैं, वहाँ भी होटल हैं और वहाँ भी ऐसी खबरें आती हैं कि बहुत बड़ी संख्या में शराब का खपत होता है, लोग सेवन करते हैं। इसके अलावा बता दें कि पंचायत चुनाव में अभी आप जाइए, सभी जगह आम धारणा और आम बोलचाल की भाषा है कि अगर आप दारू नहीं बांटेंगे तो आप चुनाव नहीं जीतेंगे। मुर्गा चावल और दारू का भोज चल रहा है और खुलेआम चल रहा है, बेधड़क चल रहा है, बिना किसी के डर से चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है वो पैसा और दारू ही है। और यही कारण रहा कि जहरीला दारू पीने से या पिलाने से 40-50 लोगों को जान से अपना हाथ धोना पड़ा। और ये भी अभी चालू है और सरकार को इस पर भी कार्रवाई करना चाहिए। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर, वहाँ तो और ज़्यादा कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण लोग हैं उन लोगों को जहरीला शराब भी पिला दिया जाता है या वैसा शराब पिला दिया जाता है जिनसे उनका आँख का रोशनी चला जाता है, हेल्थ खराब हो जाता है। तो ज़रूरत है, अगर आप शराबबंदी को लेकर कमिटमेंट आपने किया है तो सभी को एक तराजू में तौले, चाहे वो कितने बड़े अफसर हों, चाहे कितने भी बड़े मंत्री हों या फिर कितने भी बड़े माफिया हों, सभी में आप न जांच में, न कार्रवाई में और न ही दफा लगवाने में, जेल भेजने में कोई कंपेरिजन ना करें। इसे आप सरकारी फाइलों में एक लिखा जाने वाला डायलॉग न रखें, बल्कि इसे आप ज़मीन पर उतारें। क्योंकि पटना राजधानी में शराबबंदी के दौरान छापेमारी में जो पोल खुल रहा है वो ये बता रहा है कि राजधानी के इतने अहम और महत्वपूर्ण इलाकों में जब इतने आराम से और इतने बड़ी मात्रा में लोग जो हैं शराब का सेवन कर रहे हैं तो बाकी बिहार के इलाकों में क्या स्थिति होगी। तो फिलहाल
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।